राखी जी। बोलो बोलो। बिग बॉस, बिग बॉस। बिग बॉस क्या? आप जा रहे हो, पता चला। बिग बॉस पागल हो गया। वाइल्ड कार्ड एंट्री। आप जा रहे हो। बिग बॉस मेरी राह पे चल रहा है इस बार। लास्ट टाइम मैंने बोला था सुबह के गाने बंद करो, मुर्गे कुत्ते भौंकवाओ तो ये सब उठेंगे। अभी देखो बिग बॉस मेरी राह पे चल रहा है। जिस दिन मैंने बूस्टर लगाया ना वैक्सीन के बाद, बिग बॉस को भी एक बूस्टर लगा दिया मैंने। राखी जी को भी मैंने बूस्टर लगा दिया। एक मिनट का, आपने नेल में कुछ कराया है, बिग बॉस लिखाया है, आप जा रहे हो, हमें दिख गया बॉस लिखा, बिग बॉस। बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। अच्छा आपको मालूम पड़ गया क्या? अच्छा इसको पकड़ो जरा, पकड़ो। सबसे बड़ी फैन हूँ मैं बिग बॉस की। देखो बिग बॉस, आई लव यू, आई लव यू बिग बॉस। डेफिनेटली। अरे किसका फोन है? मोबाइल बंद करना भाई, बंद करो। देखिए जितने भी कंटेस्टेंट अभी गए हैं फाइव स्टार जेल में, फाइव स्टार जेल मतलब बिग बॉस हाउस, बेचारे ये अभी इनका दम तोड़ दिया इन्होंने, रोने लग गए हैं। सीरियल वर्सेस नो वर्सेस, सीरियल वर्सेस एक तरफ, एक तरफ नो वर्सेस है। एंड मुझे लगता है मेरा जाने का समय हो गया, इन सबको बम्बू लगाने का, इन सबकी बैंड बजाने का, इन सबको बूस्टर लगाने का वक्त आ गया है। मतलब अभी तो शुरू हुआ है ना, यू नो, स्टैंड स्टैंड की बैंड बजाने का, फिर बहुत सारे अर्चना है, बहुत सारे लोग हैं। वो राखी जी आप खड्डे वाली, क्या नाम है वो खड्डे ना जिसको बड़े बड़े खड्डे है, अरे सौंदर्या, हाँ जिसके बड़े बड़े खड्डे हैं। राखी जी आप कुकिंग करती रहती है, अकेले जाने वाले हो क्या? आदिल जी भी जाएगी। अरे क्यों अकेले जाऊंगी, सबके अंदर कपल बन रहे तो मैं सबको देख के क्या आहें भरूंगी, क्या छाती पिटूंगी? मुझे भी तो कोई चाहिए अंदर प्यार लपाटा, लव लपाटा करने के लिए। एक्चुअली आदिल को अंदर डाल जाने, एक भी हैंडसम लड़का अंदर नहीं, और लड़के इतनी खूबसूरत है अंदर, आदिल को जाना चाहिए अंदर। आदिल अंदर जाएगा तो सब लड़कियों का यूटर्न ऐसा हो जाएगा, ओ लाला कौन आ गया करके, और सब एक एक लड़कियों की मैं धूमड़ी फोड़ूंगी, धूमड़ी। आदिल को देखा भी तो आप, हाँ सब कैसे अंदर एकदम वो बैठी है अंदर, लड़कियां सब ऐसे बैठी है, कोई आ जाओ उसे चिपक ले, कोई आ जाओ उसे चिपक ले। नहीं भूखी, भूखी नहीं बैठी है क्या? हाउसी भूखी, जन्मों के साथ जन्मों की भूखी बैठी हुई है। राखी जी एक एक सवाल था मेरा, फैंस आपको भी पता है आपके काफी सारे फैंस है जो प्यार करते, बट एक कंटेस्टेंट है एमसी स्टैंड, उसके फैंस, वो किसी से भी झगड़े ना तो उसके फैंस बाहर आके बहुत गाली देते सोशल मीडिया पे। हाँ क्या? हाँ काफी ज्यादा गाली लिखते, हाल ही में भी बहुत सारी गाली लिखी थी जिसके उनके साथ। हाँ तो सही है ना, वो पुणे का लड़का को ना मराठी बिग बॉस जीता है, शिव ठाकरे। शिव ठाकरे वो उसको क्यों छेड़ता है? तो फिर अभी स्टैंड का जो स्टैंड है ना खड़े हो गए, स्टैंड के स्टैंड, बस स्टैंड पे खड़ा है, स्टैंड के स्टैंड खड़े हो गए। पर आप जो डेडलॉक के अंदर चुबाल, 50 साल से बाल नहीं धोए उसने, पर आप उसने बोला मैं कसम खा के मतलब बैठा है वो के यू नो मैं बाल नहीं दूंगा जब तक ट्रॉफी नहीं जीतूंगा। पर लेकिन स्टैंड तू टेंशन मत ले, तेरा स्टैंड लेने मैं आऊंगी अंदर, और तेरा स्टैंड ऐसा खड़ा करूंगी कि तू सोच नहीं सकता, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगी स्टैंड। तू बाहर आने के बाद 80,000 के जूते मेरे को दे देना, एक ऑडी गिफ्ट कर देना, तेरे सारे फैंस को बोल देना मुझे राकेश सावंत 2511 पे मुझे क्या बोलते उसको फॉलो करे। राखी जी पर एक और सवाल है, साजिद खान जब आए हैं काफी लोग नाराज हुए, वो क्यों है बिग बॉस में, उनके ऊपर एलिगेशन था मी टू मूवमेंट का भी, उसके बाद से काफी ज्यादा कौन नाराज हुए? मुझे तो नहीं पता, एक लड़की को छोड़ के कोई नाराज नहीं हुआ। नहीं फैंस काफी सोशल मीडिया यार, प्लीज साजिद खान के बारे में मत बोलो। देखो ये लड़की को अगर फिल्म दे दी होती तो ये उसके एकदम मस्का बटर लगाती, साजिद खान ने उसको फिल्म में हीरोइन नहीं लिया तो एलिगेशन तो लगाएगी ना भाई, अपने को नहीं मालूम सच क्या है झूठ क्या है। हाँ वो बोलती फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के जा रही है, हाँ तो ऐसे भी तू 10 साल फिल्म इंडस्ट्री में रह चुकी है, तो कुछ नहीं करी तो तू जा रही है, हिम्मत थोड़ी ना हारने का,
इंडस्ट्री में रहने का। अभी मैं देखो कितने साल से 50 साल से इंडस्ट्री में हूँ, हूँ ना 50 साल से। कर रहा है मैं 50 साल से हूँ क्या? मैं 15 साल से हूँ। 15-16 साल? हाँ 15-16 साल। हिम्मत आ रही क्या? हमेशा आती हूँ ना। हिम्मत नहीं हारने का और काम करने का, मेहनत करने का, किसी पे दोष नहीं लगाने का, है ना। हाँ कि मैं फिल्म छोड़ के जा रही हूँ, ये थोड़ी से। देखो साजिद खान को भी अधिकार है अंदर बिग बॉस में। एक्चुअली बिग बॉस बना है साजिद खान जैसे लोगों के लिए, सीरियल वालों के लिए, इनके उनके लिए नहीं बना है, जो कॉन्ट्रोवर्शियल है उनके लिए ही बना है। और वो लड़की को भी बिग बॉस में चांस मिला था, तब तो साजिद खान आके बाहर नहीं बोला था, कुछ बोला था क्या? नहीं। साजिद खान बहुत अच्छा खेल रहा है, इधर भी आग लग रहा है, उधर भी आग लग रहा है, अपना पॉपुलर जो है वो सीधा कर रहा है। और सबसे साजिद भाई यू आर रॉक स्टार। राखी जी सबसे क्यूट बंदा अब्दू। अब्दू देखो उसको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, कुछ नहीं आती, लेकिन प्यार की कोई लैंग्वेज नहीं होती, पूरा हिंदुस्तान उसके प्यार करता है। मुझे लगता है शायद वो ट्रॉफी जीतेगा। पर राखी जी आप जाओगे तो आप ट्रॉफी इस बार लेके आना। अब्दू तू ट्रॉफी जीत, लेकिन ट्रॉफी का जो नीचे का गोल गोल है ना, वो जो नीचे है वो तो मेरे को दे दे। थैंक यू राखी जी। चलो चलो अभी मेरे को निकलने के, अब मजा आएगा बिग बॉस में। नहीं 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 हो गया। थैंक यू राखी जी, बाय, टेक केयर। तुम लोग क्यों आए उधर? आपसे मिलने। सच्ची? हाँ। ऊपर तक आ गए, इतना प्यार है आपसे। अभी आने वाला है एक शो मेरा। हाँ कल गई थी ना शूट पे उधर। सॉन्ग कब आने वाला है आदिल जी के साथ? अभी कल का देखना एपिसोड जो बड़ा आ रहा है। बिग बॉस कब जाओगे? नेल आप थी मैं उधर। नेल आपने करवा लिए। ये लिफ्ट क्यों नहीं आ रही? पता नहीं अभी नेल का दिखाओ ना। राखी जी नेल दिखा दीजिए, क्लोज शॉट ले ली। रोक रोक रोको। ये बिग बॉस की आंख है, माँ की, पापा की, डैडी की। पड़ोसी की आंख है।